अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 59 केजी वुमेन रेसलिंग का रेपिचार्ज मुकाबला आप लोगों के सामने, स्वीडन वर्सेस इंडिया। दोनों ही पहलवान अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए, और ये लोग कान करके पीछे जाने का प्रयास और टेक डाउन किया मानसी ने और दो पॉइंट हासिल किए और पीतले बांधने का प्रयास मानसी इंडिया की पहलवान के द्वारा और कुश्ती को यहीं रुकवाया गया और स्टैंडिंग में सेंटर से कुश्ती शुरू करने का निर्देश रेफरी के द्वारा। अजरबैजान की पहलवान को वार्निंग दी गई और एक्टिविटी पीरियड शुरू किया गया। और शायद रेफरी को कोई डाउट है इसलिए कुश्ती को बीच में रोका गया है। वो एक्टिविटी पीरियड नहीं दिया गया क्योंकि सिर्फ वॉर्न किया गया था एथलीट को। और ये दस्ती करके पीछे जाने का प्रयास भारतीय पहलवान मानसी के द्वारा और रेड जोन से बाहर निकाल कर एक पॉइंट हासिल किया मानसी ने 0-3 का स्कोर। उल्टन स्वीडन की पहलवान के 0 पॉइंट और मानसी इंडिया की पहलवान के 3 पॉइंट और कुश्ती का मध्यांतर। दोनों ही पहलवान अपने अपने कोने में रिलैक्स होते हुए और उनके कोचेस उन्हें समझाते हुए कि कुश्ती किस प्रकार से लड़नी है। और ये कुश्ती का हाफ टाइम समाप्त, कुश्ती दूसरे हाफ में जाते हुए।
अजरबैजान की पहलवान अटैक करते हुए दिख रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं अपने प्रयासों में। और ये पैसिविटी पीरियड दिया गया है अजरबैजान की पहलवान को। इस एक्टिविटी पीरियड में अजरबैजान की पहलवान को अटैक करना होगा और पॉइंट जो है वो हासिल करना होगा। अदरवाइज अगर ये पॉइंट हासिल नहीं कर पाती हैं तो एक पॉइंट इनके प्रतिद्वंदी जो कि इंडिया की पहलवान है उन्हें मिल जाएगा। और ये एक्टिविटी पीरियड समाप्त और एक पॉइंट मिला मानसी इंडिया की पहलवान को। मानसी जो कि भारतीय टीम की पहलवान है वो लगातार बार बार, और ये बहुत ही अच्छा अटैक और टेक डाउन किया, दो पॉइंट हासिल किए मानसी ने। फितले बांधने का प्रयास, लेकिन रेफरी ने कुश्ती को रोक कर मध्य से शुरू करने का निर्देश दिया। रेफरी ने मानसी जो कि इंडिया की पहलवान है उन्हें आदेश दिया कि वो फिंगर ना पकड़े, नहीं तो उनके खिलाफ क्वेश्चन पॉइंट दे दिया जाएगा। और एक बार फिर अटैक करने की कोशिश स्वीडन की पहलवान की तरफ से, लेकिन नाकामयाब। कुश्ती के लगभग 15 सेकेंड शेष, रेफरी की तरफ से क्वेश्चन दिया गया मानसी को, लेकिन मैच चेयरमैन और जज ने नकारा और स्कोर 0-6 का। इस कुश्ती में मानसी इंडिया की पहलवान ने जीत हासिल की।